बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं बहुत मज़े की बनती है, पत्ता गोभी, आलू और मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। एक पैन में मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, हाफ टी स्पून मैंने राई ली है, हाफ टी स्पून मेथी और हाफ टी स्पून कलौंजी ली है। ये तीनों चीज़ें थोड़ी सी पका ली हैं और एक नॉर्मल साइज़ की प्याज ली है, उसको चॉप कर लिया था मैंने। इसको हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन, बहुत मज़े की लगती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक टमाटो है बड़े साइज़ का, इसको भी फाइन चॉप कर लिया था, इसको ऐड कर रही हूँ मैं। हाफ के जी मेरे पास बंद गोभी है और 250 ग्राम मैंने आलू लिए और 250 ग्राम मटर लिए हैं। इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून, 1 टी स्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेंगे लेकिन बहुत मज़े का लगता है। इसको आप ख़ास तौर से बेसन की रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है ये। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। 2 आलू हमने लिए थे और इसको मैंने डाइस के शेप में काट लिए हैं। अब इसको ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा हम तलेंगे। ये देखिए हाफ के जी मैंने कैबेज लिया है, इसको ऐड कर रही हूँ। उसका हमने जो अंदर का जो एक मोटा पार्ट होता है वो निकाल दिया था और इसको हमने फाइन चॉप कर लिया है। इसको हम अच्छे से इसमें तल लेंगे। थोड़ा सा पत्ता गोभी जो है देर में गलता है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए पका के फिर हम मटर इसमें ऐड करेंगे। देखिए मैंने 250 ग्राम मटर थे जिसको मैंने छील लिए हैं। तो हमारे 1 कप के बराबर मटर निकले, इसको हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में बेसन की रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है ये सब्ज़ी। अब इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए तकरीबन, ताकि अच्छे से ये गल जाए आलू मटर। देखिए हमारी सब्ज़ी हो चुकी है तकरीबन। इसको हम अब इसका जो पानी है इसको भून लेते हैं। और 2 हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप करके। पानी बिल्कुल खुश कर लेंगे इसका हम। सब्ज़ी में पानी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, जब तक ऑयल नहीं आता बिल्कुल मज़े की नहीं लगती, बिल्कुल तली हुई। देखें कितनी ज़बरदस्त थी हमारी कैबेज पीस और पोटैटो की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को एटलीस्ट 4 से 5 मिनट वॉच किया करें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।